हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपके ऊपर पुलिस केस होता है, FIR होता है, तो आपको क्या नौकरी होने में दिक्कत हो सकता है क्या, या क्या करना चाहिए कि ऑफिस मतलब जिस डिपार्टमेंट में आपका नौकरी हो रहा है उसको ये बात बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। क्योंकि जब आपका सारा कुछ हो जाएगा, मेडिकल, PT, मेंस मेडिकल, सारा एग्जाम जब आप क्लियर कर जाओगे, सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, जब आपका ज्वाइनिंग का बात आएगा, तो उस टाइम एक अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना होता है जिसमें अपना पूरा डिटेल्स देना होता है। डिटेल क्या रहता है, जैसे आपका नाम क्या, आपके फादर का नाम क्या, आपका परमानेंट एड्रेस क्या, या आप 5 साल से पहले कहाँ रहते थे, ठीक है, इसी बीच में, या आप पहले कभी नौकरी भी किए हो नहीं किए हो, तो पूरा डिटेल आपको देना पड़ता है। आप कितने भाई बहन हो, क्या हो, नहीं हो, सारा कुछ बताना पड़ता है आप जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो। इसी बीच में उस अटेस्टेशन फॉर्म में 2-3 चीज़ ये भी लिखा रहता है कि क्या आप पहले कभी नौकरी किए हो, क्या आपके ऊपर कभी FIR हुआ है, क्या आप किसी एग्जाम में एक्सपेल किए गए हो, जैसे एग्जाम करते दौरान हम लोग चीट करते हैं, ये करते वो करते, तो उसमें एक्सपेल कर जाते हैं, या फिर क्या आपके ऊपर कोई चालान हुआ है, क्या क्या आप जेल गए हो, क्या इस तरह का बात पूछता। और ये सब नॉर्मल सी बात है, लेकिन होता क्या है कि ये सब बात सुनकर हम लोग डर जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, और कभी कभी क्या होता है कि छोटा सा बात है, हम लोगों को लगता है कि इसको छिपा देंगे, डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा, तो यहाँ भी एक दिक्कत उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि हाल फिलहाल में मेरे ऑफिस में 6 महीना से ज्वाइन हो रखा था एक लड़का, और बाद में जब ऑफिस को वो नहीं बताया कि उसके ऊपर FIR था या ये था, तो ऑफिस को पता चला तो उसको साफ नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म में बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, या फिर और भी बहुत चीज़ें जो छोटा छोटा गलती है जो हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में, और उससे हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होता है जब आपका नौकरी हो जाएगा तो। ठीक है, तो सुनना और आप भी ध्यान करना इस बात को, और आपको क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो वो हमारे ऑफिस में उससे खुद जाके हम मिले, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था वो हमको बताया, क्या वो गलती क्या वो भी हमको बताया, तो सोचे आपके साथ शेयर कर दें। ठीक है, चलो वीडियो में अंत तक बने रहना, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और भी कुछ गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड कुछ आपको जानकारी चाहिए, आपको लगता है कि कोई आपको नहीं बता पा रहा है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे वो चीज़ आपको ऑफिस से पूछ के भी बताएं, ठीक है, या कोई बड़े लोगों से पूछ के आपके साथ शेयर कर सके। और BSSC के स्टूडेंट है तो BSSC राहुल सोल्यूशन करके BSSC का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जुड़ जाओ, या फिर अगर आप SSC से रिलेटेड हो करते हैं, सबसे पहले देखो छोटा छोटा जो गलती हम लोग क्या करते हैं आम जिंदगी में वो बता रहे हैं। जैसे हम लोगों को तो कुछ लगता नहीं है, जैसे कभी कभी हमारे साथ ये भी होता है कि हम ट्रेन, जैसे एज ए स्टूडेंट ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, टिकट कभी नहीं लेते हो, तो सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि टिकट हम लोग कभी लेते नहीं है। तो कभी कभी छोटा सा बात होता है, नॉर्मल टिकट नॉर्मली TT फाइन करता है, लेकिन कभी कभी बहुत सीरियस मैटर हो जाता है तो आपको कोर्ट भी जाना पड़ता है। ठीक है, रेलवे कोर्ट रहता है, आपको TT पकड़ के लेके गई, वहाँ हाजिर रहता है, वहाँ बंद कर दी, आपको फाइन करना पड़ा, चालान करना पड़ा, 500, 1000, 2000 रुपया का चालान करना पड़ा। क्योंकि जिस टाइम TT फाइन करते रहती है तो आप लोग फाइन वहाँ पे देते नहीं है, तो फिर TT पकड़ के जाके हाजत में बंद कर देती है, या TT से आप कुछ दुर्व्यवहार करते हैं तो TT को गुस्सा आता है, तो TT पुलिस बुलवा के आपको हाजत में बंद करवा देती है रेलवे का, और आप वहाँ से फिर आपको बाय कोर्ट फाइन करना पड़ता है। ठीक है, एक बात ये है। दूसरा बात क्या है, कभी कभी जो ट्रैफिक पुलिस आपको बोलती है तो आप इधर से बच के उधर से बच के निकल जाते हो, और आप या फिर कुछ वैसा बात हो जाता है कि आप जब ट्रैफिक पुलिस फाइन करती है तो उस टाइम आप कुछ नहीं करते, और तो ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, सब कुछ नाम वाम लिख के आपको कोर्ट के थ्रू चालान भेजती है कि पेमेंट करने के लिए, एक चीज़ हो गया। या इलेक्ट्रिक चोरी आप कर रहे हो और आप ही पकड़ा गए, घर घर में कोई नहीं है, ठीक है, तो आप पकड़ा गए तो वहाँ पर भी आपका नाम चला गया, तो नॉर्मल सा कोर्ट से आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो आपके नाम का चालान आता है, ये हो गया। या फिर आपके ऊपर FIR है, या कोई झूठा FIR कर दिया, या आपके ऊपर कोई केस है, या झूठा केस कर दिया, ठीक है, ये सब हो गया। ऐसा ही कुछ मतलब जो मैटर है कि वो मैटर याद नहीं कि आपके ऊपर FIR हुआ है, आप कोर्ट के द्वारा चालान पे किए हो, या फिर आपके ऊपर बहुत दिनों से केस चल रहा है, ठीक है, तो ये सब बात आपके ऊपर हो गया है। जबकि जब तक नौकरी नहीं हो, नहीं होना चाहिए, लेकिन गलती से हो गया, तो हम लोग करते क्या है, जब हमारा नौकरी लग जाता है, अटेस्टेशन फॉर्म फिल होता है, उसमें जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके कभी जेल हुआ है क्या, तो आप नो कर देते हो, जबकि आप जेल गए हुए रहते हो। आपको क्या लगता है कि पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो पुलिस से मैनेज करवा लेंगे, ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में केस नहीं होता है, तो केस नहीं रहता, वो दूसरी जगह केस रहता है, तो आपको लगता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में मैनेज हो जाएगा, वो तो जान नहीं रहा, दूसरी जगह केस है तो वो जान रहा है, तो आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा गलती मत करना, अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का FIR या और भी कुछ हुआ है, मतलब अगर आपका केस पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग है, या कभी FIR हुआ है वो भी पेंडिंग है, या फिर आपको पता है या नहीं है वो भी आपको जानना चाहिए। अगर आप ये सब बात गलती बताते हो तो आपको होता क्या कि पुलिस वेरिफिकेशन तो ज्वाइनिंग के 4-5-6 महीने के बाद बहुत डिपार्टमेंट करवाता है, क्योंकि SSC का जो भी पुलिस वेरिफिकेशन है वो आप ज्वाइन कर जाओगे तो 5 महीना, 6 महीना, 7 महीने के बाद डिपार्टमेंट ही करवाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको बहुत दिक्कत होगा, आप 5-6 महीना जॉब कर लोगे फिर आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सिंपल इतना सा गलती आपकी हो कि आप अटेस्टेशन फॉर्म में नहीं बताए हो, अगर आप अटेस्टेशन फॉर्म में बता देते हो कि आपके ऊपर केस है वो अभी चल ही रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कहता है, कुछ केस PT ऑफेंस है, PT ऑफेंस बोले तो जैसे ये जो रोड का PT ऑफेंस मतलब बहुत छोटा
अपराध है तो उसको नॉर्मल लेता है वो लोग। अगर बता दोगे तब कौन सा अपराध, जैसे यही सब चालान हो गया, रेल का टिकट वाला चालान या गाड़ी वाला चालान या छोटा छोटा जो जो बात की वजह से आपके ऊपर कुछ पैसा हुआ है तो उसको माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन आपको एटेस्टेशन फॉर्म में वो सब बताना चाहिए, ठीक है। अगर गलती से भी डिपार्टमेंट को किसी और तरीके से पता चल जाएगा कि आप ये काम किए हो और ऑफिस को नहीं बताए हो, तो आपको डायरेक्ट नौकरी से निकालेगा और आपके ऊपर और भी मुश्किल कर देगा, ठीक है। और जब ये वाली नौकरी से आप निकाले जाओगे तो दूसरा कोई नौकरी होगा तो वहाँ तो और दिक्कत होगा, क्योंकि आप अटेस्टेशन फॉर्म में बहुत सारा बात पूछता है, आपसे ये भी पूछता है कि आप इससे पहले कहीं नौकरी किए हो या नौकरी आपको उससे निकाला गया है या नौकरी किए हो तो क्यों छोड़े हो, ये हो ये वो सब कुछ पूछेगा, नौकरी छोड़े हो तो उसका रिलीविंग सर्टिफिकेट दो, ये दो वो दो, मतलब क्योंकि उनको लगता है कि इसको नौकरी से किस वजह से निकाला गया है, कहीं ये कुछ गलत तो ऑफिस में नहीं किया था इसलिए निकाला गया है, तो बहुत ऐसा बात रहता है। तो जैसे आपके ऊपर FIR हुआ है या किसी प्रकार का केस है, वो केस चल रहा है या वो केस हट गया है, फिर भी अटेस्टेशन फॉर्म में बताना। अगर केस हट गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक राजस्थान का लड़का हमारे ऑफिस में था, उसके ऊपर मारपीट का केस 4-5 साल चला था, फिर हट गया था, तो वो केस बताया तो ऑफिस को वो अपना सारा प्रूफ दिया कि ये केस था मेरे पे और ये केस हट गया है, तो उसके उसको कुछ नहीं हुआ, आराम से ज्वाइन किया। फिर उसको ये भी बोला कि हाँ हम ज्वाइन कराते हैं, लेकिन अगर कुछ पता चला जिससे कि दिक्कत हो तो आपको नौकरी से निकाल दिया गया। तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उसका भेजा गया उसके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, लेकिन वैसा कुछ निकला नहीं तो उसको नौकरी पर रख लिया गया। हाँ, लेकिन एक लड़का था जो कि बताया नहीं तो उसको निकाल ही दिया। तो इसलिए आपके ऊपर नॉर्मल सा भी किसी प्रकार का केस ये वो हुआ तो बताना जरूर, थोड़ा सा लेट लगेगा आपको ज्वाइनिंग होने में, वो पुलिस वेरिफिकेशन ये वो करवा के थोड़ा सा लेट लगाएगा, या फिर वो बोलेगा जब तक आपका केस आपके ऊपर से हटेगा नहीं आपको ज्वाइनिंग देने में मुश्किल होगा। हाँ, अगर आपके ऊपर कभी केस था और वो केस आपसे हट गया है आपके ऊपर, तो आपको आराम से ज्वाइन करा सकता है, लेकिन आप छुपाना मत, कभी भी छुपाना मत किसी भी प्रकार का, छुपाना उसी चीज़ को जिसका कोई प्रूफ नहीं बचा है। जैसे कभी कभी होता है क्या कि जैसे आप 10 साल 12 साल के ही थे तो आपके आपके ऊपर 12 जैसे टिकट टिकट का पेनल्टी आप नहीं भरे तो आपको कोर्ट से चलान आया, वहाँ से पेमेंट करना पड़ा, और वो अभी 15 साल हो गया, तो 15 साल पहले तो आधार वाधार था नहीं, तो वैसा कुछ आपके ऊपर तो हो नहीं सकता है उतना, उन लोगों के पास तो इसका जानकारी होगा नहीं, क्योंकि देखो प्रूफ तो आधार कार्ड से ही ज़्यादा मेनली पड़ता है, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेटेस्ट कुछ हुआ है जहाँ पे आपका आधार नंबर, आपका नाम, फादर नेम, ये सब आपका प्रूफ पता चल गया है तो वहाँ पे आप कर सकते हो। और एक बात ये भी हो जाता है कभी कभी कि देखो कि आपका जैसे ही नौकरी होगा तो आपके गांव वाला आपके बगल वाला एक्टिव हो जाता है, ठीक है, कि आपका नौकरी कैसे हो गया, तो कभी कभी अगर कोई दुश्मन है वो आपके ऑफिस में बता दिया कि हाँ इसका नौकरी कैसे हो गया, या लेटर लिख गया इसका नौकरी कैसे हो गया, इसके ऊपर तो केस था, ये था वो था, तो वहाँ भी आपको दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको इससे अच्छा यही है कि अगर आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का केस चल रहा है या और कुछ चल रहा है, FIR हुआ था अभी नहीं है, तो आप सिंपली बता दो। अगर कोई केस सॉल्व हो चुका है तो बताना जरूर, सॉल्व वाले केस को भी उसको जानना रहता है, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि 5 साल 2 साल 4 साल पहले, मतलब आप पे कभी भी केस हुआ था ये लिखा रहता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, आप कभी भी जेल गए थे, आप कभी भी आपके ऊपर कोर्ट के द्वारा फाइन लगाया गया है, ऐसा रहता है, चालान काटा गया है, कभी भी किसी के द्वारा बताए जाने के बाद होशियार मत बनना। जैसे आपको बता दे अरे ये नहीं जानता हो, नहीं जान पाएगा, ठीक है नहीं जान पाएगा, लेकिन आपके बगल वाला जो आपके दोस्त मैंने वो बता देगा तो ऑफिस तो जान ही जाएगा ना, फिर ऑफिस छानबीन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब बात पे ध्यान रखना और डरना नहीं कि हमारे ऊपर FIR हो गया तो मैं नौकरी होगा कि नहीं, नौकरी होता है हमारे ऑफिस में भी, नया नया सीजल 2022 से बहुत सारे लोग ज्वाइन किए थे जिसके ऊपर FIR था, केस चला 5 साल 2 साल सब ज्वाइन किया, जिसने नहीं बताया उसी को दिक्कत हुआ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको जितना बताना था उतना हम बता दिए, और भी कुछ ऐसा छोटा छोटा बात जो कि आपको नौकरी के दौरान जानना जरूरी है वो आपको बताएंगे, और किसी भी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए SSC या और भी कोई एग्जाम के रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।